श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 19। तपामि अहम् अहम् वर्षम् निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम् च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम् अर्जुन तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असच्चाहम् अर्जुन तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निःगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निःकृष्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन शब्दार्थ तपामि ताप देता हूँ गर्मी पहुँचाता हूँ अहम मैं अहम मैं वर्षम वर्षा निगृह्णामि रोके रहता हूँ उत्सृजामि भेजता हूँ च तथा अमृतम अमरत्व च तथा एव निश्चय ही मृत्यु मृत्यु च तथा सत आत्मा असत पदार्थ च तथा अहम मैं अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। आवाज कम करना है, थोड़ा ज़्यादा है। तात्पर्य, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं देते और वर्षा ऋतु में वे अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण को इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण है एवं वृंदावन में दो भुजाओं वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। आगे इस अध्याय में एक पूर्व श्लोक था, उसी का विस्तार इस श्लोक में वर्णन है। भगवान ने कहा एकत्वेन बहुत्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, कि कई लोग मेरे पास आते हैं लेकिन उनकी समझ श्रेष्ठ समझ नहीं है, क्योंकि वो मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानते। ये हम बद्ध जीवों का लक्षण है इस जगत में, हम अज्ञान में हैं, हम अपने आप को भी नहीं जानते, हम नहीं जानते हम शरीर नहीं आत्मा है, ये मूलभूत चीज़ हम नहीं जानते। तो भगवान को समझना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान को तत्वता नहीं जानना। इस प्रकार से अनेक अनेक रूप से एक व्यक्ति कृष्ण के पास जा रहा है, लेकिन ये वास्तविक विधि नहीं है कृष्ण के पास जाने की। भगवद्गीता में भगवान पूर्व में बता चुके हैं कि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मम वर्तमान मतलब पथ मार्ग, इस जगत में हर एक व्यक्ति वास्तव में मेरे मार्ग पर ही चल रहा है, क्योंकि सारे मार्ग भगवान द्वारा ही दिए गए हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान जो चाहते हैं वो मार्ग पर हम चल रहे हैं, मार्ग भगवान नहीं दिए हैं, लेकिन सभी मार्ग सीधा सीधा भगवान के पास नहीं आते। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जो गोल 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 घूम रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उसका कारण हम हैं। हम सीधा सीधा भगवान के पास जाना नहीं चाहते हैं, ये हमारी अभिलाषा है, यही सृष्टि का हेतु है। भगवद्गीता खिड़की बंद कर सकते हैं, बताओ। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं एक जीव इस बद्ध जगत में कैसे आता है, क्या कारण है इस बद्ध जगत में आने का, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे जिसकी सृष्टि होती है, इस भौतिक जगत को कहते हैं सर्ग क्योंकि इसकी सृष्टि होती है। तो इस जगत जिसकी सृष्टि होती है, इसका अर्थ है कि सृष्टि होता है और विनाश होता है, सृष्टि होता है और विनाश होता है, ये नश्वर जगत है, है ना। और इस जगत के परे वास्तविक जगत है, आध्यात्मिक जगत। भगवान कहते हैं परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। वो सनातन जगत जो हमारा वास्तविक घर, हम भगवान के साथ जहाँ पर हैं, उस जगत से हम इस जगत में क्यों आते हैं, क्योंकि हम इच्छा करते हैं, हम इच्छा करते हैं स्वामी बनने की। इसलिए इस जगत में हम सब में एक समानता है, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, व्हाट इज कॉमन। हर एक व्यक्ति स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, कोई अपने घर का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, कोई अपने गांव का, कोई अपने देश का, इस प्रकार से। और किसी को अवसर मिला है, किसी को अवसर नहीं मिला है, ये भेद है। और कोई सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, और कोई नहीं बोलकर इस प्रकार से बोलकर के मैं तो सेवक हूँ लेकिन बनना चाहता है वो स्वामी, है ना। वो जानता है कि सीधा स्वामी बोलूँगा तो मुझे रोक दिया जाएगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, कौन से पेड़ काटे जाते हैं जो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो बहुत ही प्रभावशाली है और स्पष्टवादी है तो उसका विरोध होता है, है ना, क्योंकि लोगों और भय है उससे कि ये व्यक्ति हमारे सामने बोलेगा, इसमें वो बल है इसलिए वो हमको रोक सकता है, इसलिए हमें इसको गिराना होगा, है ना। और जब भी इस प्रकार से पेड़ भी छांटे जाते हैं तो जो लंबे होते हैं जो सीधे होते हैं उन पेड़ का कुछ उपयोग किया जाता है, इसलिए उनको छांटा जाता है, लेकिन जो पेड़ झुके हुए होते हैं उनको लोग नहीं काटते। तो कई बार एक व्यक्ति अपना काम करने के लिए इस प्रकार से झुक के चलता है और बनना चाहता है वो स्वामी। तो ये जगत की विधि है, है ना। तो इस जगत में हम क्यों आए हैं, शास्त्र के अनुसार हम समझ पाते हैं कि हम भगवान से स्वाधीन होकर भोग करना चाहते हैं,
और हम सोचते हैं इस प्रकार के भोग से हम सुखी रहेंगे, लेकिन यही हमारे दुख का कारण है। एक जीव भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को काट कर जो भोग करना चाहता है और वो सोचता है वो सुखी रहेगा, लेकिन यही उसके दुख का कारण है ना, और ये अज्ञान है। तो इस अज्ञान से उबारने के लिए भगवान यहाँ पर आए और हमें ये भगवद गीता का उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान अपनी परम सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तपामि अहम्। इस जगत में हमारे जीवन के लिए ताप बहुत ज़रूरी है ना, और वो बहुत ही बारीक है। जैसे हम देखेंगे कि अगर इस पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा कम हो जाए तो ये पृथ्वी रहने के लिए लायक नहीं रहेगी। आधुनिक विज्ञान में भी वैज्ञानिकगण देखते हैं कि जिस स्थिति में पृथ्वी चल रही है, अगर थोड़ी सी स्थिति उसकी बदल जाए, ये पूरा पृथ्वी बर्फ़ से जम जाएगा और पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगा। तो स्थूल रूप में वैज्ञानिक गण अपनी इंद्रियों से और अपनी इंद्रियों से उत्पन्न यंत्रों से इस सृष्टि को जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्थूल रूप से, पदार्थ के अन्वेषण से, फिजिकली। और उनके पास यंत्र हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है इत्यादि। वे इस सृष्टि को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण इस सृष्टि को वे नहीं जान पाए हैं। और सूक्ष्म रूप से कैसे पृथ्वी कार्य कर रही है या पूरी सृष्टि कैसे कार्य कर रही है, वो तो उनके पास विचार है ही नहीं। कैसे सटली सूक्ष्म रूप से कैसे कार्य कर रही है ना। जैसे हर एक चीज़ कंट्रोल्ड है तो उसके पीछे कोई कंट्रोलर होना चाहिए, तो वो कंट्रोलर कौन है, ये विषय वो नहीं जान पाए हैं। और अगर प्रश्न किया जाए क्यों कंट्रोल्ड है, अगर सृष्टि होती है तो सृष्टि क्यों होती है, यदि विनाश होता है तो विनाश क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये प्रश्न तक तो पहुंच ही नहीं पाए, ना कभी उन्हें जिज्ञासा की है कि एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारा अस्तित्व क्यों है, इस अस्तित्व का क्या हेतु है, वो तो कभी प्रश्न पर पहुंच पाएंगे नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने प्रश्न करना ही शुरू नहीं किया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन के लिए जो आवश्यकता है, जो ताप है, वो मैं प्रदान कर रहा हूँ सूर्य के माध्यम से। सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादि ये सब अधिकारी है इस जगत में रहने के लिए, जो व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, जल है, वायु है इत्यादि, लेकिन वास्तव में सब भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं जिनके माध्यम से सबकी सृष्टि हुई, सारे लोकों की सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा हुई, सारे देवताओं की सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा हुई। तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि यच्चक्षुरेषा सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतक कालचक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अशेष तेजा, इस सृष्टि में जो ताप है ये सूर्य के तेज से है। आधुनिक विज्ञान भी यही समझता है कि बिना सूर्य के सृष्टि होना संभव, सृष्टि का चलना संभव नहीं है। सूर्य नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगा, अन्न उत्पादन नहीं होगा, तापमान नहीं होगा, है ना, और ये पानी का, जल का बाष्पीभवन नहीं होगा, बादल नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी, है ना। हर एक चीज़ वास्तव में सूर्य पर निर्भर है। तो ब्रह्मा जी यहाँ स्थापित करते हैं कि सूर्य के अशेष तेज से ये जो तापमान है पृथ्वी का या सृष्टि का बना रहता है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। यस्याज्ञया संवृत कालचक्रो, सूर्य अपने कालचक्र में चलता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है और वे उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं वो लेट नहीं होते हैं, छुट्टी नहीं होती है। हम इस जगत में कई लोग सोचते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि मैं इनको रोक लूँगा, लेकिन वो नहीं रोक पाते हैं, है ना। लेकिन हम भगवान की सत्ता को समझ सकते हैं, हाँ, कि भगवान के भय से वायु चल रही है, भगवान के भय से सूर्य अपनी कक्षा में कार्य कर रहा है और कभी भी लेट नहीं है।
तो वास्तव में पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया गतिर भरता, भरता भरता मतलब मेंटेनर, जो भरण करते हैं। तो भगवान वास्तव में हमारे भरता है। हमें जरूर ऐसा लगता है पूर्ण ज्ञान नहीं होने के लिए, पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण, आंशिक ज्ञान के कारण हमें लगता है सूर्य हमारा भरण कर रहे हैं, वरुण देव जल के माध्यम से हमारा भरण कर रहे हैं, इंद्रदेव वर्षा के माध्यम से हमारा भरण कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें कि इन सभी कारणों के पीछे कारण कौन है, तो कृष्ण है। इन सबकी उत्पत्ति के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। तो नौवें अध्याय में ये सारी शिक्षा बताने के बाद भगवान इसका सार स्थापित करते हैं। दशम अध्याय में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, प्रभवः, भव मतलब सृष्टि, क्रिएशन। इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि, इस पूरे भौतिक जगत के जीवों की सृष्टि, इस पूरे भौतिक जगत के अधिकारी देव जो हैं, उन सब की सृष्टि मुझसे होती है। भव वास्तव में शिवजी का नाम है भव, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य ऐसा प्रस्तुत होता है कि सृष्टि शिवजी के माध्यम से होती है, शिव और आदि शक्ति उनके माध्यम से सृष्टि होती है। लेकिन हम और गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ पर इस मंदिर हॉल में एक बड़ा सा चार्ट है, इसमें सब विस्तार से वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनके विस्तार हैं बलराम, प्रथम विस्तार बलराम जी के माध्यम से विस्तृत होते हैं चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, और इस प्रकार से उनसे उद्भूत होते हैं उनके अंश के अंश महाविष्णु, कारणोदकशायी विष्णु। और जब महाविष्णु अपनी शक्ति रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं, है ना, वो दृष्टिपात इस सृष्टि के सृजन का हेतु है। और वो जो दृष्टि, भगवान की दृष्टि है, वो है शंभु तत्व। तो इस प्रकार से भव सृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि शिवजी के माध्यम से आ रही है, लेकिन मूल उसके कारण महाविष्णु और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण, सर्व कारण कारण। तो ये जो भगवद्गीता की शिक्षा है, भगवद्गीता, इसलिए भगवद्गीता निर्णय शास्त्र है, यहाँ निर्णय स्थापित किया गया है हम कौन हैं, सृष्टि क्या है, सृष्टि के संचालक कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, है ना, उस संबंध में कैसे कार्य करना है, ये सब यहाँ पर भगवान समझाते हैं। तो भगवान ये विस्तृत वर्णन कर रहे हैं जिससे हम जैसे बद्ध जीव भगवान की महिमा, भगवान की महानता को समझकर उनको शरणागत हो। जैसे हम देखते हैं इस शहर में यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति है, हम उनके बारे में सुनते हैं कि वो ऐसे बड़े व्यक्ति है, तो अपने आप उनके प्रति हमारा समर्पण आता है। यदि हम कहें कि बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े व्यक्ति है, तो जैसे उनके बारे में सुनते हैं तो बोलते हो अच्छा अच्छा बड़े व्यक्ति है, है ना, चाहे वो हमारे से आयु में बड़े हो, चाहे वो हमसे बुद्धि से बड़े हो, चाहे वो हमसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, उनके बारे में उनकी पदवी ऊंची हो, तो वो सुनने से हमारे में समर्पण आता है। हम हमारी क्या कहते हैं अधीनस्थ स्थिति को समझते हैं कि मैं अधीन हूँ, इसलिए मुझे झुकना पड़ेगा, है ना। जब तक इस ज्ञान को नहीं समझते, हम सोचते कि मैं ही सर्वे सर्व हूँ, इसलिए हम झुकते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि वास्तव में सब चीज़ के पीछे कारण मैं हूँ, है ना। आपसे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उस सब अधिकारी का कारण मैं हूँ, मैं उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए अंततोगत्वा हमारा कार्य है भगवान को समर्पण होना, ये मूल विषय कृष्ण में समझाते हैं। इसीलिए इस अध्याय के अंत में और आगे जाके 18वें अध्याय जो आखिरी अध्याय है भगवद्गीता का सार है, भगवान बताते हैं कि हमें कैसे समर्पण करना है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, आपका मन मुझ में लगाओ। अभी हमारा मन सभी जगह अलग अलग जगह लगा हुआ है, हमारी अभिलाषा ये प्राप्त करूँगा, ऐसे सुखी रहूँगा, है ना, ऐसे मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूँगा। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि वास्तव में सबके कारण वो है, और इन चीज़ों जो हमने हमारा लक्ष्य बनाया है, वो लक्ष्य की प्राप्ति से भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है, केवल कृष्ण की प्राप्ति से ही हमें परम सुख प्राप्त
होगा। तो ये नौवा अध्याय का ये मूल विषय है, इसलिए इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। व्हाट इज दैट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वो परम गुह्य ज्ञान क्या है? हाँ, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार से भगवद गीता की शिक्षा में प्रोग्रेस ग्रेजुअल क्रमशः विस्तार हो रहा है। तो भगवान द्वितीय अध्याय में पहली शिक्षा स्थापित करते हैं जिसे कहते हैं गुह्य ज्ञान। हम ये शरीर नहीं है, हमारे इस जगत में कष्टों का कारण है हमारी भूल धारणा कि हम ये शरीर हैं और प्रमुखता शरीर में इंद्रियां हैं, और इसलिए हम जीवन का सारा शक्ति समय इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये इंद्रिय सुख हमें सुख नहीं देगा, वास्तव में इंद्रिय सुख का प्रयास दुख का कारण है क्योंकि क्षणिक है, इंद्रिय विषय क्षणिक है और इंद्रियां भी क्षणिक है। तो क्रम पहले क्रम में भगवान हमें अपनी वास्तविक स्थिति समझाते हुए मुक्ति के लिए व्यवस्था करते हैं कि एक जीव इस जगत के कष्टों से कैसे मुक्त हो सके। ये ज्ञान देकर यदि एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बहुत सारे कष्टों से वो मुक्त हो जाता है ना। इसको भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म भूत, एक व्यक्ति जब ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, न सोचती देन ही डज नॉट लेमेंट, है ना, कि ये नहीं, ये चला गया या चला गया या चला गया, क्योंकि वो समझ जाता है कि वास्तव में मेरा नहीं है, है ना। ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीज, मतलब इस जगत में किसी भी पदार्थ से मेरा संग नहीं है। शास्त्र का वचन है असंगोयम पुरुषः, पुरुषः जीवात्मा का इस भौतिक जगत में किसी भी चीज से संबंध नहीं है। ये उसका अज्ञान है कि वो सोचता है ये मेरा है, बेसिकली उसका इससे कोई संबंध है ही नहीं। और ये संबंध स्थापना, है ना, यही दुख का कारण है। उसे कहते हैं कामाशय, कामाशय। तो किसी चीज़ का चले जाने का दुख और किसी चीज़ का नहीं प्राप्त करने का दुख, हाँ, इसे कहेंगे आकांक्षा। न सोचति न कांक्षति, है ना। तो ये पहला विषय भगवान बताते हैं। अब जीवात्मा की संवैधानिक स्थिति समझाने के बाद उसका क्रमशः जो प्रगति हो रहा है, कृष्ण अपने बारे में जो सभी के मूल आधार हैं, जीवात्मा के भी आधार हैं कृष्ण, कृष्ण को हम कैसे जान पाएंगे, वे सप्तम और अष्टम अध्याय में कृष्ण बताते हैं, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, और आठवें अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति, कि हम कैसे कृष्ण को जान पाएंगे और कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। और उस अष्टम अध्याय में भगवान भक्ति विधि समझाते हैं, भगवान को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं शरणागति से, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र पुरुष है, भगवान व्यक्ति है, है ना। ये भगवत ज्ञान में समझ पाएंगे सप्तम अध्याय में। लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते सब चीज शक्ति से आता है, तो परम तो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के पीछे परम व्यक्ति है, परम शक्तिमान व्यक्ति। भगवान समझाते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो परम व्यक्ति जो पूर्ण स्वतंत्र है, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल भक्ति के माध्यम से, शरणागति के माध्यम से। और वो शरणागति का वर्णन अष्टम अध्याय में करते हुए ये नौवा अध्याय, जहां पर शुद्ध भक्ति क्या है, बिना किसी भौतिक हेतु से पूर्ण रूपेण भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के प्रति समर्पण, उनकी सेवा, यह शुद्ध भक्ति, ये इस विषय का आधार है। इसे कहते हैं परम गुह्य ज्ञान, वास्तविक भक्ति क्या है। इसलिए इस अध्याय में भगवान आगे समझाएंगे अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते। हमारी भौतिक आसक्ति के कारण हम बहुत सारी चीज़ों का चिंतन करते हैं, और यदि उसमें कोई कठिनाई आती है तो हम थोड़ा भगवान का भी चिंतन करते हैं, जिससे हमें वो चीज़ मिल जाए, या जो चीज़ हमें मिली है वो चली नहीं जाए, इसके लिए हम भगवान का चिंतन करते हैं। वो अनन्य चिंतन नहीं है। हम अन्य अन्य चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं
और आसक्ति तो वही है, वो मिले और हम समझ पाए कि मैं ही सर्वे सर्वा तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो कोई तो है, तो ठीक है उससे कुछ समझौता करते हैं, वो समझौता करने से वो चीज़ मुझे मिल जाएगी या जो कुछ मिला है वो बचा रहे हैं, कहीं चले नहीं जाए, इसीलिए भी उनके साथ समझौता करना पड़ेगा, है ना। तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। तो एक जीव का जो संवैधानिक स्थिति है, क्योंकि वो अंतोदगत व भगवान का दास है, इस पदार्थ से तो उसका कोई संबंध है ही नहीं। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मम एव अंश, मम मेरा, एव सर्टनली निश्चित ही, और कोई दूसरा संशय है ही नहीं, मेरे सिवा तुम्हारा और कोई स्वामी है ही नहीं, ये भगवान निश्चित करके बताते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और सनातन तुम्हारा संबंध मुझसे ही है, मुझसे था, मुझसे है और मुझसे ही रहेगा। तो इस सनातन संबंध को समझकर हम भगवान की अनन्य सेवा में लगे, ये इस अध्याय का उद्देश्य है। तो भगवान कहेंगे आगे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य चिंतन से केवल मेरी सेवा में रत है, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण है जो ताप देते हैं, कृष्ण है जो वर्षा देते हैं, कृष्ण है जो वर्षा रोकते हैं, कृष्ण ही मेरे जीवन का कारण है, कृष्ण ही मृत्यु के रूप में आते हैं, तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना, फिर घूमने की क्या जरूरत है, जब मुझे पता है कि मेरा एक ही आधार है और वही सर्वे सर्वा है, तो मुझे किसी और के पास जाने की आवश्यकता क्यों है, है ना। फिर क्यों हमें गोल गोल घूमना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, फिर हमें अपना समय व्यय करने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण के प्रति समर्पण होना, समर्पण करना है, जो इस भगवद्गीता का सार है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तथाकथित आपने धर्म बनाए हैं, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, जिसके कारण मैं कृष्ण को शरणागत नहीं हो पा रहा हूं। जब कृष्ण कहते हैं सरेंडर अन टू मी, मुझे शरणागत हो जाओ, हम कहते हैं मुझे शरणागत होना है लेकिन लेकिन लेकिन, तो भगवान कह रहे हैं कोई लेकिन नहीं है, ये लेकिन हमने बनाए हुए हैं, उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी लेकिन किंतु परंतु को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस जगत में हम जो भी कष्ट अनुभव कर रहे हैं वो केवल हमें हमारे पाप कर्मों का प्रतिफल है, और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें एक ही क्षण में सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, मां सुच, और मैं ही एक व्यक्ति हूं जो ये कर सकता है और कोई नहीं। हमने इस जगत में बहुत सारे आश्रय स्थल बनाए हैं, हमें लगता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर हमको बचाएगा, इसीलिए बहुत लोग प्रयास करते हैं कि देख देयर बॉडी वेरी फिट, अच्छा है, लेकिन वो सोचते हैं कि शरीर अच्छा तो सब अच्छा है ना, इसलिए इस प्रकार से कहावत है जब शरीर अच्छा तो सब अच्छा, लेकिन वो नहीं जानते कि शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है, कितना भी आप शरीर को अच्छा रखेंगे शरीर जाने वाला है, शरीर आपका आश्रय नहीं है, है ना। इस प्रकार से कई लोग को लगता है हमारा धन संपत्ति, हमारे संपर्क, हमारे परिवारजन इत्यादि इत्यादि वे हमें बचाएंगे, लेकिन कृष्ण यहां हमें स्थापित कर रहे हैं कि वास्तव में कोई हमें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वे सब जाने वाले हैं। इसे कहते हैं असत सैन्येश्व, ये सब सैनिक हैं जिनके आधार पर हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं शरीर हमको बचाएगा, लेकिन शरीर ऐसा सैनिक है जो मरने वाला है, है ना। हमारी उपाधि, हमारी संपत्ति, ये सब ऐसे सैनिक हैं जो सब हारने वाले हैं, है ना। इसलिए हमारा एकमात्र आश्रय है कृष्णा, और क्योंकि हमारी मति सही नहीं है, वो मति समझे कैसे कृष्ण हमारे आश्रय हैं, कैसे कृष्ण सबके मूल आधार हैं, इसीलिए भगवान हमें ये उदाहरण दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं मैं ही वर्षा देता हूँ, और वर्षा पे ही सब जीव
सबका जीवन वर्षा पे है। आगे भगवान ने बताया कि परजन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभव। सभी जीव अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से आते हैं, और कृष्ण कहते हैं मैं वर्षा देता हूँ। इंद्र देते हैं, लेकिन इंद्र वही दे सकते हैं जो मैं देता हूँ। और हम में से कई ने कई बार सुना है कि किस प्रकार से इंद्र ने जब व्रजवासियों पर मूसलधार वर्षा की, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और इंद्र ने स्तुति की भगवान की कि मैं समझ गया हूँ अहंकार के कारण मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी पश्यन अपि न पश्यति, हम ये समझ पा रहे हैं वास्तव में कृष्णा सभी स्वामियों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी हमारी शरणागति कृष्ण के प्रति नहीं होती है। हम देखते हुए भी चीज़ों को नहीं देखते। इसका कारण है कि हमारी आसक्तियां हैं, हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, और हम सोचते यदि हम कृष्ण को शरणागत हो गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, इसलिए कृष्ण को छोड़ सकते हैं लेकिन आसक्तियों को नहीं छोड़ सकते। तो यदि इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी तो पुनः पुनः इस जगत में आना, आसक्तियों से बंधना, फिर से मृत्यु को प्राप्त होना, फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु होना, इस प्रकार के चक्र में हम चलते रहेंगे और हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होगा। तृतीय अध्याय में भगवान ने समझाया कि कांक्षंतम कर्मणाम सिद्धिम यजंती इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कर्मणाम सिद्धिम, इस जगत में सफल बनने के लिए, है ना, जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति को सफल बनना है, मेडिकल सीट चाहिए तो अंडर टेबल ये लीजिए 50 लाख मेडिकल सीट दीजिए, कौन एग्जाम की तैयारी करेगा, जल्द से काम हो जाए। तो हमारा ये प्रयास है मटेरियल रूप से सफल होने के लिए, भौतिक रूप से। तो इस प्रकार से जब हम शास्त्र से समझ पा रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परम सत्य है, और जब भगवद गीता निर्णय करके बताती है श्री भगवान उवाच, वो परम सत्य कृष्ण है, हम कृष्ण के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि हो सकता है कृष्ण हमारी भौतिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करें, क्योंकि वो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं हो। जैसे पिता, जरूरी नहीं एक बालक अपने पिता के पास जो भी अर्जी लेके जाए पिता उसको पूर्ण करे। यदि वो पिता के पास जाएंगे मुझे पैसा चाहिए नशा करने के लिए तो पैसा नहीं मिलेगा, पिता चाटा देंगे। तो कृष्ण जो हमारे परम हितैषी, पिता हम जगतो अस्मि माता धाता पितामह, कुछ लोग पूर्व भगवान ने कहा, तो ये भौतिक आसक्ति के कारण हम कृष्ण के पास नहीं जाकर इस जगत के अलग अलग अधिकारियों के पास जाते हैं। कर्मणाम कांक्षंतम, कांक्षंतम आकांक्षा है, कर्मणाम सिद्धिम कुछ प्राप्ति की, यजन्ते इह देवता, इसलिए हम देवताओं के पास जाते हैं जो वास्तव में सर्वे सर्वा नहीं है, वो हमें दे देंगे लेकिन वो हमारा परम हित नहीं चाहेंगे, है ना। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मज, तुरंत ही उनकी सिद्धि हो जाएगी, है ना। लेकिन वो सिद्धि तुरंत होगी, लेकिन वो सिद्धि का स्थायित्व तो कितना है, कितना चलने वाली है सिद्धि, है ना, वो लंबा नहीं चलने वाला है। तो कृष्ण यहां हमें परम वरदान प्रदान करने के लिए आए हैं, हमें अपने धाम, हमारा वास्तविक जीवन अमृतत्व, यहां श्लोक में वर्णन है अमृतम अमृतम चैव मृत्युश्च। कृष्ण हमें अमृतम मतलब मुक्ति, इस भवबंधन से, इस मृत्यु चक्र से कृष्ण हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं यदि हम उसको लेना चाहें तो। भगवान तत्पर है उसे देने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। तो कृष्ण हमें इसी जीवन में मुक्त कैसे होना ये सिखाने के लिए आए हैं, उसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये 9वां अध्याय जिसका उद्देश्य है अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति अमिश्रित भक्ति। अगर इस स्थिति में यदि कोई कृष्ण की सेवा करता है तो वो इसी बद्ध जगत में, बद्ध शरीर में रहते हुए वो मुक्त है। हमारे आचार्य ने वर्णन करते हैं, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा
निखिलाशु अपि अवस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त स, इसी जीवन में कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, हाउ वी कैन बी फ्रीड। तो वहां वर्णन है इहा यस्य, इहा मतलब इहा इस जगत में, यस्य जिस व्यक्ति की, हरेर दास है, उसकी चेतना है कि मैं भगवान हरि का दास हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं उच्च कुल से नहीं हूँ, मैं निम्न कुल से नहीं हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना ये आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं निर्धन नहीं हूँ, मैं भगवान हरि का दास हूँ। और केवल बोलना नहीं है कि हरि का दास हूँ, कर्मणा मनसा गिरा, मेरे कार्य से मैं भगवान हरि की सेवा कर रहा हूँ, मेरे मन में एक ही चेष्टा है भगवान हरि की सेवा करना, जब भी मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलेगा मैं भगवान की महिमा का गुणगान करूंगा। इस प्रकार से यदि कोई अपना जीवन जीता है, निखिलाशु मतलब हर स्थिति में, ऐसा नहीं कि संडे हरि के दास हैं और मंडे टू फ्राइडे सैटरडे नहीं है, 24 घंटे 365 दिन जीवन के सभी वर्ष अगर हम इस चेतना से जीते हैं कि मैं भगवान हरि का दास हूँ, तो इसी जीवन में वो मुक्त है, कोई भी चीज़ उसको बाधित नहीं कर सकती, मृत्यु भी उसे बाधित नहीं कर सकती, क्योंकि वो सर्वत्र भगवान हरि को देख रहा है, वो इस जीवन में सुख को भी भगवान हरि की देन देख रहा है और इस जीवन के कष्टों को भी सोच रहा है कि भगवान जरूर मेरे शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं। यदि मृत्यु भी आती है तो देख रहे हैं कि वो कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चहम, सब कुछ हरने वाली मृत्यु मैं हूं। मृत्यु क्या हर लेती, मृत्यु सब हर लेती है, हमारा बैंक बैलेंस मृत्यु के बाद चलता है नहीं, हमारा शरीर, हमारे परिवारजन स्मशान तक आएंगे, उसके बाद कोई आएगा, कोई परिचय, अगर हमारा जो अगला गंतव्य है वहां कोई फोन बुक, कोई कॉन्टैक्ट, कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसने पूरा जगत में ये सब व्यवस्था जमाई है, एक ही समय में जब सब चले जाएगा तो वो पूरा विचलित हो जाएगा, एक क्षण में एकदम से क्या हो गया। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, केवल हमारा पर्स खो जाए जिसमें हमारा आईडी कार्ड्स हैं और हमारा एटीएम कार्ड है और मान लीजिए कुछ लक्ष्मी है, अगर हमारा पर्स केवल खो जाए तो कितने दिन तक हम विचलित रहते हैं उसको खोजने के लिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, साधारण चीज़ है ना, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप सोच लीजिए पूरा जीवन जो हमने किया है, मृत्यु सर्वहरश्चः, मृत्यु उसको नष्ट कर देती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कृष्ण की सेवा की है वो क्या दर्शन करता है, वो सोचता है कि ओ मृत्यु कृष्ण आए हैं और मेरे जन्मों जन्मांतर के कष्ट खत्म कर रहे हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से शरीर नहीं लेना पड़ेगा, कृष्ण सब कुछ हरने के लिए आए, मेरे कष्टों को हर रहे हैं मृत्यु देकर, क्योंकि शरीर है तो कष्ट है, शरीर तो माध्यम है ना कष्ट देने का, बीमारी कहां से आती है, शरीर के कारण आती है, मान अपमान कैसे, क्योंकि मन है शरीर है तभी तो यह स्थिति है। वास्तव में कृष्ण मेरे सारे कष्ट हर रहे हैं और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तो इन श्लोकों में कृष्ण हमें बता रहे हैं कि कैसे हम वास्तव में उनका दर्शन कर सके। और इस स्थिति में, इस उन्नत स्थिति में एक भक्त सर्वत्र कृष्ण को देखता है। पूर्व अध्याय में भगवान ने कहा योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, कैसे देखता है, कृष्ण की शक्ति है। एक और बड़ी भूल धारणा है कि कई लोग हैं जो भी अज्ञान के कारण कृष्ण को देखते हैं, मतलब ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण है, अंततः कहते मैं भी कृष्ण हूं, दैट इज चीटिंग, एक और चीटिंग है। इस जगत में तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए तो चलो भगवान ही बनते हैं, और भगवान बनने के लिए सीधा सीधा मैं कहूंगा भगवान तो कोई मानेंगे नहीं, इसलिए सब भगवान है, आप भी भगवान, ये भी भगवान है, सब भगवान है, अंततः कहता मैं भगवान हूं, दिस इज चीटिंग, ये माया का एक फांस है। तो कृष्ण कैसे देखते हैं, कृष्ण और कृष्ण की शक्तियां, भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार, ये जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो इस प्रकार से वो सब जगह कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों को देखते हैं।
तो भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, और सब चीज मुझ में है, कृष्ण में है। कृष्ण से सब कुछ आता है, जब सब विलीन हो जाता है तो कृष्ण के भीतर समाहित हो जाता है, कृष्ण रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य समझाते एको नारायणो आसित, जब कुछ भी नहीं था भगवान नारायण थे। नारायण पर अव्यक्तात्, ये पूरा भौतिक जगत जिस महत तत्व से आया है, जो अव्यक्त तत्व से पूरा जगत व्यक्त हुआ है, भगवान नारायण उसके पहले आसीन थे। इसलिए भगवान नारायण इस भौतिक जगत की सृष्टि नहीं है, वो इस जगत की सृष्टि नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो है। इसलिए हम इस जगत के कई जीव को कई बार परब्रह्म बना देते हैं, दे कैनॉट बी, वो नहीं बन सकते। भगवान या परम सत्य बनते नहीं है, वो है, उस सत्य पे सब कुछ आधारित है, वो ही है वास्तव में सत्य, और अन्य सब है सापेक्ष, रिलेटिव। ही इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिव। हमारी सत्ता भी रिलेटिव है, उनके कारण आज हम बलवान हैं, उनके कारण आज हम सत्तावान हैं। अगर वो चाहेंगे तो सब चला जाएगा। तो ये कृष्ण भक्ति से जानता है, इसीलिए वो हर स्थिति में भगवान पर आश्रित है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभा जया जयो, सुख में कृष्ण की सेवा करेंगे, दुख में कृष्ण की सेवा करेंगे, लाभ में कृष्ण की सेवा करेंगे, हानि में कृष्ण की सेवा करेंगे, जय में कृष्ण की सेवा करेंगे, पराजय में कृष्ण की सेवा करेंगे। इसलिए वो मुक्त है, इज फ्री, किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। तो कृष्ण ये शिक्षा हमें प्रदान करने के लिए आए हैं, है ना, तो हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, और इस जगत की हर स्थिति को कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कैसे हम हर क्षण कृष्ण के प्रति और शरणागत हो, और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो, और इस जीवन के अंत में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हम कृष्ण लोक को प्राप्त हो सके, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्थान है, है ना। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं अध्याय में कृष्ण कहते हैं तपामि अहम अहम, मैं ताप देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ। इस तरह से कृष्ण बताना चाहते हैं आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मुझे नकारो मत, है ना। आज हम देखते हैं हमने एक ऐसा जगत बनाया, मीडिया है ना, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया इत्यादि, एक छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे कोई क्रिकेट स्टार है, उसको इतना बड़ा बना देंगे जैसे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और हम देखते हैं ऐसी स्थिति में सत्संग में कोई नहीं आता, क्यों? सत्संग तो कभी भी हो जाएगा, आज मैच है, आज ये है, आज वो है। लेकिन कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि अहम, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कृष्ण को जानना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और कृष्ण की सेवा करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, है ना। ये बहुत सरल चीज़ है, इसे हमें समझना चाहिए और हमारा जीवन सार्थक बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जाए। श्रील प्रभुपाद की जाए।